हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एसए ऑन टेबल, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए, और साथ ही घंटे का बटन दबाना ना भूलना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता रहूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस एसए का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं एसए ऑन टेबल। टेबल पर निबंध दोस्तों। My table is so beautiful, it made from wood, it is very good looking, it color is brown, my father bought it from the market. दोस्तों मेरी टेबल बहुत ही सुंदर है, ये लकड़ी से बनी हुई है, ये दिखने में भी बहुत अच्छी है, इसका रंग ब्राउन है दोस्तों, मेरे पिताजी इसे बाजार से लाए थे। It price is ₹5,000, my father gave to me on my birthday, my table has 4 legs, it has a nice sunmica on it. It has 3 drawer in it. I have also one pen stand on my table. I have a geometry box, pencil box and pen on my table. दोस्तों इसकी कीमत ₹5,000 है। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। मेरी टेबल के 4 पैर है। इसके ऊपर एक अच्छा सनमाइका लगा हुआ है दोस्तों। इसके अंदर 3 दराज है। मेरी टेबल के ऊपर एक पेन स्टैंड भी है दोस्तों। मेरी टेबल पर एक ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और पेन है दोस्तों। I always use my table when I doing my homework. The carpenter had made it very beautiful. I keep my study table neat and clean. दोस्तों मैं अपना स्कूल का काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। बड़ाई ने इसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया है दोस्तों। मैं अपनी टेबल साफ सुथरी रखता हूँ दोस्तों। All my family member like my table very much. I like my table very much. दोस्तों मेरे परिवार का हर सदस्य को मेरी टेबल बहुत ही पसंद है दोस्तों। मैं अपनी टेबल को बहुत पसंद करता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और साथ में कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि मैं अगला एसे स्पीच, पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन कौन सी डालूं। तो धन्यवाद दोस्तों जो आपने मेरे अपना वक्त निकाल के मेरा ये वीडियो देखा। धन्यवाद दोस्तों।